सो हेलो गाइस, आई एम सागर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.4 का पार्ट 3। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.4 का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कराए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट पर अवकाश समीकरण क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट, उस पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 यानी 10 के आए के जितने भी क्वेश्चन है उसकी। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 11 के आए के जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करो। अभी तक क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जितने क्वेश्चन अभी तक थे उन सारे क्वेश्चन में कह रहा था यह अवकल समीकरण दिया हुआ है, निकालो इससे व्यापक हल। तो अवकल समीकरण दिया, निकालना होता था व्यापक हल, और व्यापक हल में क्या होता था, एक स्वेच्छ अचर होता था, तो वही जो कॉन्स्टेंट होता था वही स्वेच्छ अचर होता था। लेकिन इसमें हमको फाइंड करना है विशिष्ट हल, और वी नो दैट कि किसी भी विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम 11 से लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें समाकलन करने के बाद तो कॉन्स्टेंट ऐड करना पड़ेगा ना, तो कॉन्स्टेंट तो स्वेच्छ अचर है, तो यहां विशिष्ट हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो अब देखो, हर क्वेश्चन के सामने एक हिंट दिया हुआ है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना। वहां पे क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है समाकलन। समाकलन करने के बाद प्लस कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा, जब व्यापक हल फाइंड हो जाएगा। देखो, हम लोग व्यापक हल तक फाइंड करना जानते हैं, सबसे पहले क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, व्यापक हल फाइंड कर लेना है, फिर एक्स और वाई का मान दे उठा के रख देना है, रखने के बाद सी की वैल्यू आएगी, और जो भी सी की वैल्यू आएगी उसको उठा के रख देना है, जो मिलेगा वही हो जाएगा विशिष्ट हल। क्योंकि सी ही था स्वेच्छ अचर, जब सी की वैल्यू हम रख दिए तो स्वेच्छ अचर बचा कहा, जब स्वेच्छ अचर गायब हो गया तो वो व्यापक हल से क्या बन गया, विशिष्ट हल बन गया। व्यापक हल और विशिष्ट हल में थोड़ा सा फर्क होता है कि जो व्यापक हल होता है उसमें स्वेच्छ अचर होता है, लेकिन जो विशिष्ट हल होता है उसमें कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 की। इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन एक साथ एक जैसे ही है, तो इनमें मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूं उसको लेकर के आपको समझा देता हूं कि आपको कैसे लगा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका मैं हिंट दे देता हूं आपको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 11, इतना दिया हुआ है, कह रहा है यहां पर y बराबर क्या है, 1 है, और कह रहा है x बराबर क्या है, 0 है। तो सबसे पहले लगाने का नियम क्या है कि जिधर जो dx है उसको एक तरफ करना है, जो dy है उसको एक तरफ करना है। तो यहां पे क्या है, ये dy है, ये dx है, x को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये है dy, ये dx जाएगा वहां, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और ये dx उधर जाएगा तो ये हो जाएगा dx। इसके बाद ये स्टेप नंबर फर्स्ट था, समझ में आ रही है ना, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था। स्टेप नंबर सेकंड क्या था कि जिधर x है उधर x को लेके जाओ, जिधर dy है उधर y को लेके जाओ। देखो यहां पर क्या है, ये dy है, जितने भी y वाले हैं सबको इधर लेके आना है, ये x है, जितने भी x वाले हैं सबको उधर लेके जाना है। तो ये dy है, इसमें कोई भी y नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर कुछ भी लेके नहीं आएंगे, लेकिन ये और ये x वाला है लेके जाएंगे x की तरफ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और बटा इतना x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और ये हो जाएगा dx। जब इतना हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, लेकिन इसका समाकलन तो हम कर नहीं पाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर लेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। तो देखो, ये हो जाएगा dy, ये है 2x स्क्वायर प्लस x, यहां हम कॉमन, इसको हम बगल में सॉल्व कर देते हैं, देखो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां पे बचेगा x प्लस 1, यहां पर एक कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों जगह पे है, कॉमन ले लो x प्लस 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1, और हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1,
और ये हो जाएगा dx। फिर क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है। तो सिंपली हम लोग जानते हैं dy का अगर समाकलन करोगे तो क्या आएगा, y आ जाएगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि जो ये वाला पोर्शन है इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था प्रश्नावली 7.6, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था आंशिक भिन्नों में बदल करके समाकलन करना। तो करना क्या है, इसको बदल देना आंशिक भिन्नों में बदल करके समाकलन कर देना। बाकी समाकलन करने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छे से सिखाया है कि समाकलन कैसे करते हैं। तो क्या करोगे, इसका समाकलन तो कर लेंगे, इसका भी समाकलन तुम लोग कर लोगे। कैसे करना है, पहले आंशिक भिन्नों में बदलना है, बदलने के बाद क्या करना है, उसका समाकलन कर लेना है। या अगर तुम समाकलन यहां करके नहीं दिखाना चाह रहे हो तो बगल में कहीं समाकलन करके ला करके यहां पर रख सकते हो। वैसे यही में करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। समाकलन कहीं बगल में कर लो, बगल में करने के बाद जो भी आए यहां पर ला करके रख दो। यानी कुछ नहीं करना, ये जो आंशिक भिन्न में बदलना है ये वाला काम बगल में कर लो कहीं, बाकी जब आंशिक भिन्न में बदल दो तो उठा करके ला करके इसके बाद वाले स्टेप में रख दो और तीसरे स्टेप में समाकलन कर दो। और समाकलन जब कर लोगे तो समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। फिर देखो यहां पे कह रहा है वाई बराबर एक है, एक्स बराबर क्या है, जीरो है। तो यार जो भी ये जो मिलेगा व्यापक हल, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो व्यापक हल मिलेगा। अब करना क्या है, यहां पर y की वैल्यू एक है, x की वैल्यू जीरो है, तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू एक रख देनी है। रखने के बाद इसमें खाली एक्स वाई मिलेगा ही मिलेगा, और जब एक्स वाई की वैल्यू हम रख देंगे तो हमको सी की वैल्यू बहुत आराम से निकल जाएगी। जब सी की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर क्या करना है, सी की वैल्यू को उठाना है और यही लाके रख देना है। जब सी की वैल्यू यहां से गायब हो जाएगी तो जो स्वेच्छ अचर है वो गायब हो जाएगा, और अगर स्वेच्छ अचर गायब हो गया तो वो व्यापक हल नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, विशिष्ट हल होता है। उसके बाद जो भी मिलेगा वो हो जाएगा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर एक से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 का हिंट दिया है तो उसको आप लगा लीजिएगा, और नहीं आएगा तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 12 की, और देखते हैं क्वेश्चन 12 कैसा रहा होगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का मैं फटाफट हिंट दे देता हूँ, जो क्वेश्चन टप लगेंगे उसको मैं लगवा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो आओ जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देख लेते हैं। देखो ये है क्वेश्चन 12, इसमें दिया वाई बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो, और करना है निकालना है हमको विशिष्ट हल। तो क्या करना है, स्टेप फर्स्ट है कि डीवाई और डीएक्स को दो अलग भागों में बांट लेते हैं। तो डीवाई को एक तरफ कर दो, डीएक्स को एक तरफ कर दो। तो आ जाओ ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, डीवाई को यही रहने दो, डीएक्स को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा डीएक्स कन्यम डीएक्स। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। फिर स्टेप नंबर सेकंड क्या है, तो स्टेप नंबर सेकंड है कि इधर डीवाई है उधर वाई को लेके चले जाओ, इधर डीएक्स है उधर एक्स को लेके चले जाओ। तो आ जाओ देखो ये डीवाई है और डीवाई वाई यहां पर कहीं नहीं है, इसलिए इधर कुछ नहीं आएगा। ये डीएक्स है, सारे एक्स उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वन अपान, ये है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये है डी एक्स। एक स्टेप आगे चलते हैं, ये हो जाएगा डी वाई वन अपान, ये है एक्स, ये ए स्क्वायर, यहां पे एक का स्क्वायर कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में क्या होता है ए माइनस बी। तो यहां पे क्या करोगे, एक बार एक्स प्लस वन और एक बार एक्स माइनस वन, और यहां पे क्या हो जाएगा डी एक्स। जब इतना काम होता है तो फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड लगाते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो यहां पे दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हो। इसका समाकलन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए फिर हमको चलना पड़ेगा आंशिक भिन्नों में, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो क्या करोगे, इस इतने पोर्शन को उठाना है और बगल में कहीं रफ रूप में क्या करना है, इसको आंशिक भिन्नों में बदल देना है। आंशिक भिन्नों में जब आप बदल दोगे, बदलने के बाद जो मिलेगा उसको उठा के यहां पर रख दोगे, और फिर समाकलन करके प्लस सी एड कर दोगे, और उसके बाद y की वैल्यू जीरो x की वैल्यू दो उठाकर रख दोगे। रखने के बाद बीच में बराबर ही रहेगा, रखने के बाद c की वैल्यू यहां से फाइंड कर लोगे, और जो भी c की वैल्यू आएगी उठाकर यहां पे रख दोगे। तो अभी जब तक c की वैल्यू है तब तक ये क्या है, व्यापक हल है, लेकिन जब c की वैल्यू आप निकाल करके यहां पे रख दोगे तो जो भी मिलेगा वो हो जाएगा विशिष्ट हल। तो इसको आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 12 भी देख लिया। अब आइए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन में 13 और 14 देख लेते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वैसे तो जो क्वेश्चन में 11 और 12 है उसको आप बहुत आसानी से लगा पाओगे, लेकिन जो क्वेश्चन में 13 है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो कैसे लगाओगे क्वेश्चन में 13? देखो ध्यान से, ये cos है dy / dx is equal to ये है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये आप परिभाषित है, यानी ये है नॉन डिफाइन। और नॉन डिफाइन होता है तो हम लोग जानते हैं कि नॉन डिफाइन का हम कोट बता सकते हैं, लेकिन उसकी घात क्या है उसको हम बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये नॉन डिफाइन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस अवकल समीकरण को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे विशिष्ट हल में। तो बहुत ही सिंपल है, देखो
सबसे पहले ये जो cos डिवाइड बाय dx टाइप का दिख रहा है ना, ये कुछ दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है। तो जब भी कभी ऐसा दिखे तो पहले इसको हटाने का प्रयास करो। और कैसे हटेगा? तो ऑब्वियस बात है, cos को उठाओ, भेज दो उधर। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये है dy अपॉन dx और ये cos जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, और ये हो जाएगा a। dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या? cos इनवर्स। इसके बाद क्या करना है? dx और dy को दो भागों में बांट लेना है। तो dy को रहने दो इधर ही, dx को भेज दो उधर। तो ये हो गया cos इनवर्स a और ये हो गया dx। इसमें ऐसा कुछ लोचा नहीं है कि इसमें x और y है तो किधर लेके जाने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो बस जो है वो है। इसके बाद क्या करना है? दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। तो यहां पे क्या करोगे? दोनों पक्षों का समाकलन, मैं डायरेक्ट करता हूं समाकलन। तो dy का समाकलन करोगे तो अभी रहने दो एक स्टेप। अच्छा, dy का करोगे तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और cos इनवर्स ये है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट दुनिया के हर शून्य से क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो cos इनवर्स a को क्या करेंगे? बाहर लेके आएंगे। तो ये जो cos इनवर्स ये है, ये आएगा बाहर। और dx का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा? x आएगा। इसके बाद जब भी समाकलन करते हैं प्लस सी कॉन्स्टेंट ऐड कर देते हैं। इसके बाद क्या है? इस क्वेश्चन को मैं पूरा लगवा के बता दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। क्वेश्चन में 11 और 12 मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि क्वेश्चन में 11 और 12 बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, क्योंकि उसको लगाने के लिए पहले मुझे उसको आंसर बिंदु में कन्वर्ट करना पड़ता, और आंसर बिंदु में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन 11 और 12 जो था मैंने उसको आंसर बिंदु में कन्वर्ट करके नहीं बताया, उसको आप खुद ही कर लोगे। बाकी इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप देख करके आपको ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन कैसे लगाओगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है? कहोगे चूंकि वाई बराबर क्या है? एक, और एक्स बराबर क्या है? जीरो। तो वाई की वैल्यू क्या रखनी है? एक। ये हो गया कॉस इनवर्स। ए की वैल्यू क्या है? सॉरी ए तो ए है ही है। एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो, और प्लस सी जोड़ दो। इसके बाद देखो ये एक है, इसमें जीरो का मल्टीप्लाई करोगे, जीरो प्लस सी, और सी की वैल्यू फाइंड करोगे, सी बराबर क्या आएगा? एक। और आप कह सकते हो इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान सकते हो, और यहां पे आप कह सकते हो कि सी का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन में 11-12 सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। तो सी की वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, और जब सी की वैल्यू समीकरण एक में रखोगे तो ये हो जाएगा वाई बराबर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए। एक्स को पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, और प्लस सी, और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है एक। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट हल। ये था व्यापक हल और ये है विशिष्ट हल। यानी व्यापक हल को अगर विशिष्ट में कन्वर्ट करना है तो बस क्या करना है कि एक्स और वाई का मान अगर दिया हो तो हम आसानी से व्यापक हल को विशिष्ट हल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 15, 16, 17 सारे क्वेश्चन पहले क्या करोगे? निकालोगे व्यापक हल, और जब व्यापक हल निकल जाएगा तो वहां पर एक पॉइंट दिया रहेगा, इट मीन एक्स वाई का मान दिया रहेगा, उठा के रखोगे तो सी का मान आएगा, और सी का मान पूरा उठा करके उसी में रख दोगे तो क्या होगा? फिर विशिष्ट हल मिल जाएगा। ऐसे जब क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा गति का समीकरण, गति का तीन समीकरण होता है, b बराबर u प्लस at, एक s बराबर u प्लस half a square, तीसरा b square बराबर u square प्लस 2as। इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके थे, उसी में एक तरीका था कलन विधि द्वारा इनको प्रूव करना। तो उसमें क्या करना होता था? पहले समाकलन करते थे, प्लस c कांस्टेंट ऐड करते थे, फिर प्रारंभ में आते थे, सारी वैल्यू उठा के रखते थे, c की वैल्यू फाइंड करके उसी में रखते थे, और फिर क्या होता था? हमको मिल जाता था गति का तीनों समीकरण। तो फिर आप छोड़ो उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको आप कैसे लगाओगे। तो आइए चलते हैं फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 14 लगा लोगे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत हिंट देने की आवश्यकता है, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बात जाओ, ठीक है। तो चलो आपको हिंट देता हूं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है वाई बराबर 2 है, एक्स बराबर क्या है? 0 है। तो यहां पे क्या करना है? रूल क्या है कि सबसे पहले dy और dx को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये देखो ये है dy, और dx को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा y tan x, और ये हो गया dx। फिर रूल नंबर स्टेप थर्ड सेकंड क्या है कि y को ले आओ इधर, x को लेके चले जाओ उधर, तो ये dy अपान y हो गया, और ये हो गया tan x dx। तो tan x को लिख सकते हो आप sin x, और बटा cos x into dx। देखो tan x को मैंने इसमें इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan x का समाकलन का फॉर्मूला होता है, राइट? होता है, tan x के समाकलन का फॉर्मूला होता है। तो जो भी tan x के समाकलन का फॉर्मूला होता है, अभी आप इसको tan x ही रहन दो, या अगर जैसे मैं कर रहा था वैसे भी कर देते तब भी आंसर आ जाता। तो जो मैं कर रहा था वो tan x के समाकलन का फॉर्मूला कैसे आता है मैं उसको बताने जा रहा था।
तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10x के 10x जो होता है उसका डायरेक्टली समाकलन का फॉर्मूला नहीं होता है, उसके फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं साइन बटा कॉस करके, एक को नीचे टी मान लेते हैं, फिर हम आसानी से प्रूव कर देते हैं कि 10x का समाकलन क्या होता है, बराबर माइनस लॉग साइन या कॉस जो भी होता है। तो यहां पर dx हो गया, सिंपली आप समाकलन करोगे प्लस कोसेंट ऐड होगा, फिर वही सेम पैटर्न को क्या करना है, दोहराना है, और दोहराने के बाद सी की वैल्यू जो आएगा उठा के उसमें रखना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर, इट मींस वो हो जाएगा विशिष्ट हल। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए। अब ये जो क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 दिखने में जो क्वेश्चन है बहुत डरावने लग रहे हैं, एक्चुअली में इन सारे क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में 15-16 तो दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन 17 और 18 थोड़ा टफ लग रहा है दिखने में, लेकिन दिखने में जितना टफ है उतना टफ है नहीं, एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत आसान है, मेन चीज समझना, अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में थोड़ा दम नहीं है। तो क्वेश्चन में 15, 16, 17, 18 इनको लगवाने के लिए पहले एक चीज है, उसमें अगर आपको बता देता हूं, अगर आप उसको सीख लेते हो तो क्वेश्चन में नंबर 15, 16, 17, 18 के जो सारे क्वेश्चन उसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। देखो यहां पर एक चीज क्या है कि जैसे मान लो कोई भी रेखा है, अब रेखा में क्या होता है, वो सरल रेखा होता है या तो वक्र रेखा होता है, तो दुनिया में कोई भी रेखा हो, चाहे वो सरल रेखा हो वक्र रेखा हो, अगर वो जिस पॉइंट से होकर जाएगा ना, वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा। जैसे समझो आप, जैसे मैं कह दूं ये एक रेखा है, इसका समीकरण है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, और ये रेखा इस बिंदु से अगर होके जा रहा है, इस बिंदु को मान लो 3, 4, समझो पहले ये एक रेखा है, रेखा का ये समीकरण है, और रेखा एक पॉइंट से होके जा रहा है, उस पॉइंट का नाम है 3, 4, तो अगर रेखा उस पॉइंट से होके जा रहा है तो वो पॉइंट क्या करेगा, उसको सेटिस्फाइड करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं जिस रास्ते पे चला रहूंगा, अगर कोई मुझसे पूछे उसके बारे में, तो क्या मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में, अगर हम मैंने उस रास्ते पे चला है, अगर मैं उस रास्ते पे गया हूं, उस रास्ते के बारे में अगर कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगा उसको। लेकिन अगर उस पे नहीं चला हूं मैं, फिर भी कोई पूछ रहा है उस जगह के बारे में, तो क्या वो जगह मुझे सेटिस्फाइड करेगा, इट मींस क्या मैं उस रास्ते के बारे में बता पाऊंगा, नहीं। तो अगर मैं जिस पाथ से होते हुए जाता हूं और कोई एक अलग बंदा उस पाथ के बारे में मुझसे पूछता है, तो मैं उस पाथ के पॉइंट के बारे में उसको अच्छे से समझा सकता हूं, अच्छे से बता सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं उस पाथ पे खुद चला हूं, इसीलिए बता सकता हूं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि उस पाथ पे, उस रास्ते पे जितने भी पॉइंट है, सारे पॉइंट मुझे सेटिस्फाइड करेंगे, इट मींस सारे पॉइंट के बारे में मैं जानूंगा। वैसे ही अगर ये रेखा है, इस रेखा पर कोई एक पॉइंट है 3, 4, और ये रेखा यहां से होकर जा रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब है, ये जो पहला वाला है ये यक्स है, ये जो दूसरा वाला है ये वाई है, और यक्स वाई दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेंगे। देखो वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू है 4, और यम एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 3, और प्लस सी, तो 4 बराबर 3 यम प्लस सी, तो सेटिस्फाइड करेंगे। तो ऐसे इसकी वैल्यू आप उठा के इसमें रख सकते हो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि रेखा पर उपस्थित बिंदु उस रेखा को सेटिस्फाइड करता है, चाहे वो रेखा हो चाहे वो वक्र हो, अगर उस पर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब उसके समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा। अगर आपने इतना सीखा तो आपके लिए क्वेश्चन में 15, 16, 17 और 18 ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत ही आसान। ठीक है, तो आइए चलते हैं, मैं क्वेश्चन 15 लेता हूं, पहले आपको 15 समझाता हूं कि कैसे आप लगाओगे, अगर आप 15 समझ गए तो 16 आप चुटकियों में लगा ले जाओगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या है, क्वेश्चन में 15 तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन जो 15 है वो कह रहा है बिंदु इतना से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो, कह रहा है बिंदु इतने से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो, मतलब हमको जो निकालना है एक वक्र का समीकरण निकालना है, और कह रहा है कि जो वक्र है वो एक पॉइंट से एक बिंदु से होकर जा रहा है, बिंदु इतने से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण निकालो, मतलब समीकरण हमको फाइंड करना है एक वक्र का, और जिस भी वक्र का समीकरण फाइंड करना है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए जा रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट है 0, 0, और इस पॉइंट से होते हुए एक वक्र होते हुए जा रहा है, तो कह रहा है उसी वक्र का समीकरण निकालो। यहां पे क्या कर सकते हो आप, तो यहां पे सिंपली आप इतना कर सकते हो कि जो वक्र का समीकरण है आप कह सकते हो कि उस समीकरण को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, कह सकते हो ना, बिल्कुल। तो बिंदु इतने से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण निकालो जिसका अवकल समीकरण इतना दिया है,
देखो अवकल समीकरण पहले से दिया हुआ है, तो अगर अवकल समीकरण दिया है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं व्यापक हल। विशिष्ट हल तो नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि विशिष्ट हल निकालने के लिए हमको x और y का मान चाहिए। अगर x और y का मान मालूम है तो हम विशिष्ट हल निकाल सकते हैं। तो पहले तो अवकल समीकरण दिया हुआ है, अवकल समीकरण क्या दिया है, तो अवकल समीकरण दिया है y डैश बराबर ex और ये है साइन x, ये है अवकल समीकरण। और कह रहा है कि अवकल समीकरण दिया हुआ है, हमको निकालना है वक्र का समीकरण। तो यहां से हम कुछ नहीं कर सकते, यहां पे हम सिंपली कर सकते हैं कि हम यहां से फाइंड कर सकते हैं क्या उसका व्यापक हल। जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, और यही नहीं लाइफ के हर एस्पेक्ट में हर जगह पे बस एक रूल लागू होता है कि आप लाइफ में जितना कर सकते हो उतना करो। जितना आप कर सकते हो अगर आप उतना कर रहे हो तो उसके बाद क्या करना है आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आप जितना कर सकते हो अगर आप उतना नहीं करते हो तो आपको वो कभी नहीं मालूम चलेगा जो आप करना चाह रहे हो। इसलिए आपको अगर कुछ भी करना है तो आप जितना कर सकते हो वहां तक करो, वहां उतना करने के बाद उसके आगे जो सारे रास्ते आपको खुद मालूम चल जाएंगे कि उसके आगे रास्ते क्या है। ठीक है, तो देखो ये है हमारा अवकल समीकरण। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं कि यहां से हम व्यापक हल निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो y डैश है, y डैश का मतलब होता है dy अपान dx, और ये है ex और ये है sin x। इसके बाद क्या करना है, dy को एक तरफ करना है, dx को एक तरफ करना है। तो चलो आ जाओ, ये है dy, dx जाएगा उधर तो ये हो गया ex, और ये हो गया sin x, dx जाएगा उधर तो ये हो गया dx। इतना हो गया। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है कि dx को dx की तरफ x वाले को लेके जाओ, y dy की तरफ y वाले को लेके जाओ। तो देखो यहां पर dx है, dx की तरफ सारे x वाले हैं, यहां पर y की है ही नहीं है, तो बस रहने दो। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। इसके बाद वाला स्टेप यही है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो मैं डायरेक्ट करता हूं इंटीग्रेशन, y का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा y। देखो ये e के पावर x और sin x, यहां पर क्या हो रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हो, उसको आइलेट के क्रम में लिखते हो, और आइलेट के क्रम में लिखने के बाद जो फार्मूला आएगी जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें तो उसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लगा सकते हो। तो देखो आइलेट का क्रम होता है आई एल ए टी ई, आई माने होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शन हमेशा पहले होता है, बाकी उसके बाद जो भी फंक्शन आते हैं इसके बाद होते हैं। तो देखो क्रम तो सही है ना, क्रम बिल्कुल सही है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई करें समाकलन का फार्मूला क्या होता है, पहले वाले को पकड़ते हैं, दूसरे वाले का अवकलन करते हैं, क्यों, तो पहले वाले कहते हैं पहले वाले को पकड़ो, दूसरे वाले का समाकलन यानी साइन एक्स का समय डायड करता हूं, पहले वाले को पकड़ लिया, दूसरे वाले का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस्ट एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस्ट एक्स। तो बिल्कुल साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और फिर यहां पे माइनस लगाते हो, इंटीग्रेशन लिखते हो, पहले वाले का अवकलन दूसरे वाले का समाकलन, तो पहले वाले का अवकलन करोगे यानी ई के पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ई के पावर एक्स ही आएगा, और साइन एक्स का समाकलन करोगे तो फिर आएगा माइनस कॉस एक्स, और इसको आप ऐसे आसानी से बंद कर सकते हो। फिर ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स, माइनस बाहर आएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। देखो फिर क्या हो रहा है कि फिर यहां पर एक और एक दो दो फंक्शन फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब दो फंक्शन फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर लगाएंगे वही फार्मूला, ये माइनस यहां पे आगे प्लस हो जाएगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या करेंगे, पहले वाले को तो पकड़ लेंगे तो पहले वाले को पकड़ लेते हैं, दूसरे वाले यानी कॉस एक्स का करेंगे समाकलन, तो कॉस एक्स का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले को पकड़ते पहले वाले का अवकलन करते हैं तो e के पावर x का अवकलन करेंगे तो e के पावर x आएगा, और cos का जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, cos का समाकलन, तो cos का समाकलन फिर आएगा sin x, इतना हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा dx। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, देखो इसके बाद क्या करोगे, तो बहुत ध्यान से देखो, देखो इसके बाद तो मामला तो मैटर टफ हो गया। देखो इसके बाद जो ई एक्स साइन एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो डी वाई अपान डी एक्स है, तो इसके स्थान पे रख सकते हो डी वाई अपान डी एक्स, तो इसके स्थान पे इसको हटा देते हैं, कि स्टेप इसको हटाएंगे, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स,
तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और डी एक्स से डी एक्स कटेगा, और डी एक्स से डी एक्स कटेगा, इसके बाद यहां बचा डी वाई, और डी वाई का समाकलन करोगे, मैं कहता हूं डायरेक्ट, तो यहां पर आएगा वाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा वाई, और वाई इधर आएगा तो वाई वाई क्या हो जाएगा टू वाई, और प्लस कॉन्स्टेंट सी जोड़ देंगे, टू वाई हो जाएगा। यहां पर देखो ई एक्स कॉमन ले लो, यहां पे क्या बचेगा साइन यक्स, और यहां पे माइनस ये हो जाएगा कॉस यक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। इसके बाद ये हमारा मिल गया व्यापक हल, और हमको निकालना है विशिष्ट हल। देखो ऐसे तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है कि विशिष्ट हल निकालो, पर बीनो जेड की जो समीकरण होता है ना, हर समीकरण एक विशिष्ट हल होता है। आप दुनिया कोई भी समीकरण देख लो, उसमें कभी भी कोई स्वच्छ अचर नहीं होता है। समीकरण अगर किसी भी रेखा या किसी भी चीज का अगर समीकरण अगर उसको अच्छे से सॉल्व कर दे, तो उसमें कभी भी स्वच्छ अचर नहीं आएगा। अगर स्वच्छ आएगा नहीं, तो स्वच्छ अगर नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो हो जाएगा विशिष्ट हल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्वच्छ अचर आ रहा है। अब स्वच्छ अचर आ रहा है, इसका मतलब ये विशिष्ट हल नहीं है, बल्कि ये क्या है, व्यापक हल है। तो कैसे, जो ये कॉन्स्टेंसी है ये कैसे हटाओगे, तो स्टार्टिंग में देखो कह रहा है बिंदु इतने से गुजरने वाली एक ऐसे वक्र का समीकरण निकालो। यानी ये वक्र का अगर समीकरण है, मान लिया जाए कि कुछ क्षण के लिए मान लो कि वक्र का समीकरण है, तो ये जो वक्र है वो एक पॉइंट, और जो पॉइंट है पर्टिकुलर पॉइंट वो है 0, 0। ये समीकरण इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो अगर ये इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो आप कह सकते हो कि बिंदु 0, 0 इसको संतुष्ट करेंगे, और संतुष्ट करेंगे तो x बराबर क्या है 0, और y बराबर क्या है y बराबर 0 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 × y की वैल्यू क्या है 0 बराबर ये e के पावर क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये प्लस क्या हो जाएगा c, 2 0 0। दुनिया में किसी के ऊपर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ये हो जाएगा -1 प्लस सी, सी बराबर ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, सी बराबर +1 आया, सी की वैल्यू उठाओ और +1 यहां पे रख दो, बाकी जो भी ये मिलेगा ये हो जाएगा विशिष्ट हल, और यही हो गया उस वक्र का समीकरण, समझ पा रहे हो। तो इस तरह 15 हम लोगों ने देखा, 15 में क्या दिया था, अवकल समीकरण दिया था, मुझे क्या करना था कुछ मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या निकाला, व्यापक हल निकाला। जब व्यापक हल निकल गया, तो जो मिला वो एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट 0, 0 से होकर जा रहा था, तो मैंने उस पर कहा कि यह पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो मैंने उस वाले पॉइंट को उसमें रखा, और सी की वैल्यू निकली, सी की वैल्यू फिर उठाया उसी में रख दिया, तो क्या मिल गया हमको, विशिष्ट हल मिल गया। और विशिष्ट हल एक समीकरण होता है, व्यापक हल समीकरण नहीं होता, लेकिन विशिष्ट हल क्या होता है, एक समीकरण होता है। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप क्वेश्चन में 15 को लगाओगे, और अगर आपने क्वेश्चन में 15 लगा लिया, तो क्वेश्चन में 16 भी आपके लिए बहुत ही आसान है। देख लो क्वेश्चन में 16 क्या कह रहा है, कह रहा है अवकल समीकरण इतना के लिए बिंदु इतने से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करो। सबसे पहले क्या दिया, अवकल समीकरण दिया, उसको हम सॉल्व करके उसको हम व्यापक हल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो अवकल समीकरण दिया उसको हम व्यापक समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब वो व्यापक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद एक पॉइंट दिया है 1, -1, तो करना क्या है, वो वाला पॉइंट उसमें रख देना है, और पॉइंट रखने के बाद सी की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि वो जो वक्र है वो पर्टिकुलर पॉइंट 1, -1 एक विशेष बिंदु यानी 1, -1 से होते हुए जा रहा है, तो कहोगे कि ये इससे होके जा रहा है, इसको सेटिस्फाइड करेगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1 उठा के रखो, सी की वैल्यू आएगी, और जो भी सी की वैल्यू आएगी उसको उठाना उसमें रख देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा विशिष्ट हल, और वह विशिष्ट हल ही क्या होगा, जो अवकल समीकरण है उस अवकल समीकरण इतने के लिए गुजरने वाले वक्र का समीकरण याद करो, जो भी आएगा वो हो जाएगा वक्र का समीकरण, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 15 भी देख लिया, क्वेश्चन 16 भी देख लिया, अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन 17 और 18 क्या कह रहा है। वैसे एक्चुअली में क्वेश्चन 17 और 18 दिखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत डरावने लग रहा है, पर वास्तव में क्वेश्चन 17 और 18 में कुछ है नहीं, जैसे 15 और 16 में उन्होंने देखा, वैसे सेम क्वेश्चन 17 और 18 भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन 17, पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन 17 है वो क्या है, और अगर आपने क्वेश्चन 17 समझ लिया तो फिर क्वेश्चन 18 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन 17 कह रहा है बिंदु इतने से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण निकालो,
यानी यहां भी क्या फाइंड करना है, वक्र का समीकरण फाइंड करना है। जिस वक्र का समीकरण निकालना है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट 0, -2 से होते हुए जा रहा है। तो एक चीज तो मिल गया कि पहले व्यापकल फाइंड करना है, व्यापकल फाइंड करने वाला इस वाले पॉइंट को उसमें रख के सी की वैल्यू उठा निकालनी है। एक चीज हमको मिल गया कि हमको व्यापक हल निकालना है। लेकिन क्वेश्चन 15 और 16 में क्या हो रहा था, अवकल समीकरण दिया रहता था। अवकल समीकरण दिया है तो आप व्यापक हल निकाल लोगे। व्यापक हल दिया है तो एक पार्टिकुलर पॉइंट दिया, वहां से हम निकाल लेंगे विशिष्ट हल। और विशिष्ट हल क्या होता है, हमारा समीकरण होता है। समझ पा रहे हो, व्यापक हल किसी भी चीज का समीकरण नहीं होता है, क्योंकि व्यापक हल में क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है। लेकिन विशिष्ट हल हर चीज का समीकरण होता है, क्योंकि विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अवकल समीकरण दिया है तो वहां से हम व्यापक हल फाइंड कर सकते हैं। व्यापक हल से अगर पॉइंट दिया है तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, विशिष्ट हल। तो यहां पे क्या है, बिंदु दिया है, एक्स वाई का मान दिया है, एक्स वाई का मान दिया है, तो यहां से हम विशिष्ट हल निकाल सकते हैं। लेकिन मेन चीज आना चाहिए व्यापक हल कैसे निकले। अब अगर व्यापक हल हम निकालना चाहते हैं तो व्यापक हल निकालने के लिए पहले अवकल समीकरण मालूम होना चाहिए। अगर अवकल समीकरण मालूम है तभी तो निकालोगे व्यापक हल, तो क्वेश्चन में अवकल समीकरण दिया ही नहीं है। अब क्या करोगे, तो यहां पर जो अवकल समीकरण है उसको हमको खुद बनाना है। जो अवकल समीकरण है उसको हमको खुद बनाना है। कैसे बनाना है, तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर हम खुद बना ले जाएंगे जो हमारा अवकल समीकरण है वो। तो आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद कह रहा है, जिसके किसी बिंदु एक्स का मान वाई पर स्पर्श रेखा की परवर्ता। देखो यहां पर एक चीज है ग्रेडियंट, मीन्स परवर्ता। अब ये परवर्ता क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं परवर्ता के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। परवर्ता को लिखते हैं यम से, लेकिन जब कोण दिया होता है तो परवर्ता फाइंड करते हैं टैन थीटा से। अगर कोण, देखो अगर किसी भी सवाल में कोण दिया हुआ है तो परवर्ता निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, यम बराबर टैन थीटा। लेकिन अगर दो बिंदु दिया है तब परवर्ता निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, y2 - y1 / x2 - x1। और अगर आपने हमारा जो ओकलैंड वाला वीडियो, अगर आपने उसको देखा है, उसमें एक चैप्टर था अभिलंब और स्पर्श रेखा। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जो परवर्ता है वो ओकलैंड ही परवर्ता होता है। dy/dx को ही बोलते हैं क्या, परवर्ता। ये जो dy/dx है इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। dy/dx इसी को बोलते हैं परवर्ता। पर इसको परवर्ता तो बोलते हैं, लेकिन एक बिंदु पर, जैसे मान लो ये एक वक्र है, तो पहले वक्र का समीकरण दिया रहता है, तो वक्र का समीकरण निकाल लेंगे हल करके। ये वक्र का समीकरण निकल जाएगा तो उसी समीकरण में से dy/dx का मान निकाल लेंगे। और इस वक्र देखो, रेखा की तो परवर्ता एक ही होती है, लेकिन वक्र की परवर्ता एक नहीं होती है। वक्र की परवर्ता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है, क्योंकि वक्र क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कोण बनाएगा, और अगर अलग अलग कोण बनाएगा तो उसकी परवर्ता क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, और टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से उसकी प्रवणता क्या होती है, अलग अलग होती है। इट मीन्स कि अलग अलग बिंदुओं पे जो प्रवणताएं आती हैं वो क्या होती है, अलग होती है। अगर यहां पे हम प्रवणता फाइंड करेंगे तो अलग आएगा, यहां पे फाइंड करेंगे तो अलग आएगा, यहां पे फाइंड करेंगे तो अलग आएगा, और यहां पे फाइंड करेंगे तो अलग आएगा। तो सिंपली सवालों में क्या होता था, देखो बिल्कुल हम उल्टा कर रहे हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे स्पर्श रेखा जो अभिलंब रेखा, तो वहां पर रेखा का समीकरण दिया होता था, रेखा का समीकरण दिया होता था, वहां से हम निकाल देते प्रवणता। प्रवणता मतलब dy/dx का मान। कैसे निकाल देते, उसका समीकरण, उसका अवकलन कर देते, अवकलन करने के बाद dy/dx का मान निकाल लेते थे। अब क्वेश्चन कहता था कि एक विशेष बिंदु, इस बिंदु पे निकालो प्रवणता, तो उसी बिंदु को उठा के रख देते थे। वहां पर समीकरण दिया होता था, हम निकाल देते प्रवणता। लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा है, यहां पर प्रवणता से हम निकालेंगे समीकरण। तो अब ऐसी बात है, अवकलन समाकलन दोनों दूसरे के उल्टे प्रोसेस है। अवकलन क्या करता है, छोटा करता है, समाकलन क्या करता है, बड़ा करता है। तो यहां पे क्या है, अवकल समीकरण दिया रहेगा, यहां पे समीकरण फाइंड करना है। अब यहां पे अवकल समीकरण भी नहीं दिया है, अवकल समीकरण हमको फाइंड करना है। तो कह रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, एक्स कामा वाई, इस पे कह रहा है प्रवणता। तो हम लोग जानते हैं जो रेखा की प्रवणता होती है वो होती है dy/dx, पर एक विशेष पॉइंट दिया, उस पॉइंट का नाम है एक्स कामा वाई। तो कहने का मतलब x कामा वाई पॉइंट है, उस पॉइंट में प्रवणता ये है dy/dx। ठीक है, चलो चांस देखो। यहां पर जो रेखा की प्रवणता है वो क्या है, वो है dy/dx, ये है रेखा की प्रवणता। ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और पीनोजेट स्पर्श रेखा की बात हो रही है, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात कर रहा हूं।
अगर कहता अभिलंब रेखा की प्रवणता, तब तो उसको अलग फॉर्मूले से निकालना पड़ता, m1 into m2 बराबर -1 फॉर्मूले से अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालना पड़ता। लेकिन यहां पे सिंपल सी बात कर रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात कर रहा है तो अभिलंब में हमको नहीं जाना है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल। देखो जो प्रवणता निकालनी है वो एक पॉइंट है x का मान y, ये जो प्रवणता है वो इसी पॉइंट की प्रवणता है। तो कह रहा है जो उसकी प्रवणता है वो और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, तो इस बिंदु पर y निर्देशांक यानी इस x, इन दोनों का गुणनफल गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है, यानी ये पूरा बराबर है इस x निर्देशांक के। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बन गया हमारा अवकल समीकरण, देख लो। अब ये अवकल समीकरण बन गया, तो रूल क्या है, y को एक तरफ x को एक तरफ, तो पहले dy रहने दो यहीं पर, y के पास y को ले आओ तो ये y हो गया, x को dx को उधर लेके जाओ तो जितने भी x उधर लेके जाओ तो यही x है, ये हो गया, ये हमारा अवकल समीकरण बन गया। फिर क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, समाकलन करने के बाद इसका समाकलन y आएगा, इसका x आएगा, प्लस c ऐड करेंगे, ठीक है। अब अवकल समीकरण अगर मिल गया तो हमने व्यापक हल भी निकाल लिया, और व्यापक हल अगर निकल गया तो वो जो पार्टिकुलर पॉइंट था वो पॉइंट क्या है, एक विशेष बिंदु 0, -2 है, तो कहोगे ये जो समीकरण है ये जो है वो एक पॉइंट 0, -2 से होके जा रहा है, अतः ये इसको संतुष्ट करेगा। तो x बराबर 0, y बराबर -2 उठाओ यहां पे रखो, c का मान निकालो, फिर इसी में रखो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा उस रेखा का समीकरण। रेखा है कि वक्र है? रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, बहुत इजीली फाइंड हो गया। तो यहां पे मेन चीज है अवकल समीकरण निकालना, अवकल समीकरण निकल गया तो फिर निकालोगे व्यापक हल, व्यापक हल निकल गया तो निकालोगे विशिष्ट हल। लेकिन ऐसा तब होगा जब उस वो रेखा या वक्र किसी एक विशेष पॉइंट से होते हुए जाए तब। चलो तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में 17। अब चलो फटाफट बात कर लेते हैं क्वेश्चन में 18 की। 18 भी मैं आपको बगल में बता देता हूं, क्योंकि 18 भी है 17 जैसा ही है। तो अगर अवकल समीकरण बन गया तो आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वक्र के किसी बिंदु x कामा y पर, देखो एक वक्र है, वक्र पर इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। एक वक्र के किसी बिंदु x कामा y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात हो रही है, ये एक वक्र है, वक्र पर यह स्पर्श रेखा है, इसकी प्रवणता की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है ये जो वक्र है इसका समीकरण निकाल लोगे, तो समीकरण निकाल के उसका अवकलन करोगे तो आएगा dy/dx, वो एक विशेष पॉइंट है x का मा y, तो वही पॉइंट पे इसकी प्रवणता निकल गई। मतलब x का मा y वाले पॉइंट पे ये जो इसका जब अवकलन करोगे तो जो dy/dx का मान आएगा वो इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। सिंपली यहां आपको बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, बस आपको ऐसा समझना है कि dy/dx ही रेखा की प्रवणता होती है। किस रेखा की? तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, क्या कह रहा है, एक वक्र के किसी बिंदु x कमा वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता तो यह है स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। समझ पा रहे हो आप? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं है, बस थोड़ा समझना यहां पे है, अगर हम समझ गए तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखो तो ये एक वक्र है, वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, फिगर देख के आप घबराओ मत, क्वेश्चन में दम नहीं है, फिगर नहीं भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए यहां बता रहा हूं। ये एक वक्र है, वक्र पर यह स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर खींची गई है। अब कह रहा है कि इसको रेखा को आगे इसी रेखा पर एक बिंदु और है, उस बिंदु का नाम है -4, -3। तो मान लो इसी रेखा पर एक बिंदु है -4, -3, तो क्या कह रहा है कि इसी रेखा का, ये जो रेखा है इसी रेखा का इस पॉइंट पर जो प्रवणता आई है, क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी इस पॉइंट पर जो रेखा की प्रवणता आई है और एक पॉइंट पता नहीं कहां पर है -4, -3,
इसको इसको मिलाने पर जो रेखा बनी, अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, नेवर माइंड, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है कि उसी रेखा पे है, कह रहा है ये 4, 3 यहां भी हो सकता है, -4, 3, तो कह रहा है इस वाले और इस वाले पॉइंट को मिलाने से एक रेखा बनती है, उसकी प्रवणता देखो, इस रेखा की प्रवणता ये है, इसको इसको मिलाए हुए एक रेखा बनी है, इस रेखा की भी कुछ प्रवणता होगी, तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1, अब y2 क्या है, तो x1 x2 y1 y2, तो बराबर क्या कह रहा है, इसकी प्रवणता, तो इसकी भी प्रवणता हम निकाल सकते हैं, या y1 - y2 / x1 - x2 से कुछ भी लगा लो फॉर्मूला, तो y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है, -4, और -y1 की वैल्यू क्या है, x2, देखो x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या है, y2 - y1, तो y2 माने क्या, y2 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू क्या है, -y / x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है, -4, और -x1, तो -x1 की वैल्यू क्या है, x, तो -x कर दो, ठीक है, ये क्या है, ये है इस रेखा की प्रवणता, और ये क्या है इस रेखा की प्रवणता, अब क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो, इतने से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दोगुनी है, ये प्रवणता इस प्रवणता की दोगुनी है, कह रहा है कि ये वक्र पर खींची गई अस्पष्ट रेखा की प्रवणता एक अलग पॉइंट उससे इसको मिलाने वाले प्रवणता की दोगुनी है, इसका मतलब ये दोगुना है, ये इसका ये वाला आधा है, जैसे मैं कह दूं 10 / 5, अब यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो कि ये वाला दोगुना है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला आधा होगा, अगर मैं आपको कहूं कि 10 / 5 का दोगुना है, और अगर आप दोनों को बराबर करना चाह रहे हो, तो बराबर करने के लिए अगर आप इसको दोगुना कर दोगे तो ये 20 हो जाएगा, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमको दोगुना उसको करना है जो दोगुना नहीं है, जैसे मैं कह दूं 10 और 5 क्या है, 10 / 5 का दोगुना है, तो दोनों को अगर बराबर करना चाहते हो आप, तो दोगुना उसको करना है जो दोगुना नहीं है, यानी इस 5 को दोगुना करना है, तो कह रहा है ये दोगुना है, तो दोगुना किसको करना है, दोगुना इसको कर देना है, इसके बाद देखो ये हो गया dy/dx बराबर, ये हो गया 2 - यहां - यहां - कॉमन लेके काट दो, तो ये आएगा क्या 3 + y, ये आएगा 4 + x, ये बन गया हमारा अवकल समीकरण, तो ये हो जाएगा dy, इस y, ये हो जाएगा 2, इसको उतार दो भी, 3 + y 4 + x, dx जाएगा वहां पे उधर भेज दो, फिर y वाले को उधर ले आओ, dy/, ये हो जाएगा 3 + y, और इसके बाद इतना हो गया ना, और ये हो गया 2/4 + x, ये हो गया dx, इतना हो गया, सिंपली इसका हम समाकलन कर सकते हैं, इसका भी हम समाकलन कर सकते हैं, समाकलन करने के बाद प्लस सी जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद क्वेश्चन के नीचे एक एकदम लास्ट में बोल रहा है कि यदि यह वक्र इतने से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण, अवकल समीकरण मिल गया, अवकल समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, तो अवकल समीकरण से हम निकाल सकते हैं व्यापक हल, और जब व्यापक हल निकल जाएगा तो कह रहा है ये अवकल समीकरण एक पार्टिकुलर पॉइंट -2, 1 से होकर जा रहा है, तो क्या करोगे, उसको रख करके सी का मान निकालोगे, सी का मान निकाल के फिर वही पर रख दोगे, जब सी का मान वही रखोगे तो फिर व्यापक हल से क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छे समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख लो, अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको अच्छे समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, उसको बताइए वीडियो आपको कैसे लगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताओ, फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ 19, 20, 21, 22, तो इनको लेकर के मिलते हैं एक अलग वीडियो में, इट मीन्स पार्ट 4 में, तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।